हेलो गाइस, सो स्वागत है आप सबका हमारे न्यू वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पे हम उतरे थे पोचिंग की। तो भाई, पोचिंग की उतरने के पहले जो हम लॉबी में आते हैं, वहाँ पे मैं सबको देखता हूँ भाई वहाँ पे क्या मिलता है। भाई साहब, पूरी की पूरी बॉट लॉबी आई है। पूरी बोले तो भाई क्या ही बोलूँ यार, काश ऐसी लॉबी हमें PMCO क्वालिफाई राउंड में मिलती तो भाई जन्नत नसीब हो जाती। क्योंकि गाइस, मिनिमम 30 to 40 किल, 50 किल समझ सकते हैं, 50 to 60 किल हम चिकन निकाल सकते थे ऐसी लॉबी मिलती अगर तो। बट गाइस, ऐसी लॉबी का कुछ फ़ायदा रहता नहीं है, आपकी गेम स्किल्स कुछ इम्प्रूव नहीं होती है ऐसी लॉबी से। ये तो सिर्फ एक टाइम पास लॉबी है कि जैसे आप मीन्स नॉर्मली खेल सकते हो, मोस्ट किल के लिए आप खेल सकते हो, कुछ भी हो, रैंक पुशिंग के लिए ऐसी लॉबी सब सही है। बट कॉम्पिटिटिव के लिए लॉबी सबसे बकवास लॉबी मानी जाती है। ऐसे लॉबी में आप क्या ही कर सकते हो। सो कोई ना, चलो तो हम ये बंदे को मारते। बट मुझे लगा कि ये नॉक हो गया है, बट भाई 1 HP ये बंदा बचा है कि हम ये बंदे को एक गोली में हम नॉक कर देते हैं। तो उसके साथ हमें एक और बॉट भी मिलता है, पर हम उससे पहले कन्फर्म करते जितने भी हम नॉक कर रहे हैं, हम अपने सब बंदे को कन्फर्म कर रहे हैं क्यों भाई हमें किल चाहिए। तो इसको भी हम नॉक करते हैं कि भाई बंदा क्या कर रहा था, बॉट के चक्कर में नॉक हो गया है बंदा। बट भाई ये रिवाइव हो जाएगा एक्चुअली में, क्योंकि भाई इसका टीममेट उसको रिवाइव दे देगा। क्योंकि भाई मैं बॉट मारने के चक्कर में मैं भी पड़ गया, क्योंकि हमें चाहिए था किल। किल मिलता है कैसे, ऐसे दूसरे के नॉक किए हुए बंदे को मारने से हमें किल मिलते हैं। तो हम अभी इससे फाइट के थोड़ी बहुत उठा लेते हैं। हमारे यहाँ पे नेड़ आता है तो हम यहाँ से भागते हैं पहले। तो गाइस देखें, बंदा ये थोड़ा सही था ये लॉबी में। मुझे एक बंदा अच्छा लगा कि बंदे का था थोड़ा बहुत उसको खेलना आता है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि भाई प्रो लॉबी, ये तो मैं नहीं बोल सकता, फुल ऑन नूब लॉबी थी। तो भाई कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने नूब बोल दिए भाई, हम भी एक नूब प्लेयर ही है। तो यहाँ पे है, मैंने M16 इसलिए ड्रॉप की क्योंकि भाई मेरे पास 5 AMO बहुत कम थी, जो कि मेरी सिर्फ 2 बार रिलोड हो सकी, इतनी एमओ बची है अभी से। तो भाई अभी हम इसको पहले लेते हैं, बट नहीं, ये सही समय पे क्राउच हो गया। सो हमने चले छोड़ जान दो। तो अभी हम इसको, हमें एक और बॉट मिलता है, हम उसे मारने जाते, बट नहीं भाई वो बॉट भी गया हमारे हाथ से, ये बंदा भी कहाँ गया नो आइडिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा साउंड लेते कि बंदे क्या कहाँ पे है, क्या कर रहे, कुछ भी लेते हैं। उससे पहले हम शॉटगन छोड़ के PP बाइसन लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि भाई PP बाइसन अगर आपको फुल गेम चलाना है और चिकन डिनर लेना है, कैसे ले सकते हो, ये पूरा वीडियो मैंने PP बाइसन और यूजी, ये 2 गन यूज़ किया था मैंने रोज़ उतर के। सो भाई, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है सो आप जाके जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, PP बाइसन एंड यूजी चिकन के साथ, मोस्ट किल तो नहीं कह सकते, बहुत कम किल था, बट आप वो वीडियो जाके देख सकते हो मेरा कि PP बाइसन और यूजी से मैंने कैसे चिकन डिनर लिया। तो यहाँ पे हमें एक और बॉट मिलता है, तो हमने ये बॉट मारते ही डायरेक्ट हमारे किल होते हैं 7 बोले तो खतरा, 7 पे आता है खतरा। बट ये खतरा दूर किया हमारे ये बॉट ने, कि बॉट मार के हमने 8 किल कर दिया। तो यहाँ पे हम पहले भी थोड़ा ड्रिंक लगा दें, क्योंकि भाई फुल एनर्जी हो जाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज हाफ एनर्जी में क्या ही कर सकते भाई, नहीं होता ऐसा। तो भाई अभी हम यहाँ पे थोड़ी PP बाइसन छोड़ के भी कोई गन तो ले नहीं सकते, बिकॉज PP बाइसन यार OP गन बोलती है, OP। तो हम भाई यहाँ पे थोड़ा लूट रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने M4 देखी थी, मुझे याद थी पहले कि मैंने बॉट मारा था उसके पास M4 160, सो हम उसको ले लेते पहले। तो भाई अभी यहाँ पे देखना, बंदे को मैं क्या ही ट्राई करके मारा था, बट नहीं हो सका, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसको जंप एंड शॉट करने में। तो कोई नहीं, तो अभी हम इससे भी लूट ही लेते हैं, हमें इससे 4x मिल चुका है। तो भाई अगर आपको 4x एंड 6x फुल, 4x फुल एंड 6x फुल स्प्रे चाहिए, सो भाई कमेंट करके बताओ कि मैं फुल 6x कैसे चलाता हूँ, मैं रिकॉइल कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं।
आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अगर आपको मेरा फुल सिक्स एक्स स्प्रे देखना है ट्रेनिंग मोड में, सो गाइज मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया होगा। आपको अगर फुल सिक्स एक्स स्प्रे वीडियो देखना है सो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा पहला ही वीडियो होगा, उसके बाद मैंने कोई पिक कुछ डाला नहीं हुआ एक्चुअली में। सो आप जाके फुल सिक्स एक्स स्प्रे देख सकते हो मेरा M4 का। सो मेक श्योर गाइज आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर दो। और भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ भाई, मेरा वीडियो 200 से 300 बंदे देखते हैं भाई। अगर आप 200 बंदे भी सिर्फ मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दोगे ना गाइज, तो हम जैसे मीन्स जो न्यू नए प्लेयर आते हैं यूट्यूब पे, उनको कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है ना गाइज। चलो कोई ना, लाइक कमेंट करना आपकी मर्ज़ी, आपको अच्छा लगा तो करो, नहीं लगा तो कोई इशू नहीं गाइज। सो भाई यहाँ पे हम आते हैं, तो हमें यहाँ पे साउंड आता है थोड़ा बंदे का, तो भाई बंदा दिखता है हमें यहाँ पे, ये भी बॉट था। तो भाई आपने देखा होगा कि मैंने बीच का वीडियो क्यों डाला, क्योंकि गाइज उसके बीच में हमें बंदे कोई मिल नहीं रहे थे, सो मैंने उस बीच का हटा दिया। तो भाई हम पोचिंग की से हमें निकलते ही हमारे हो गए थे 14 किल। 14 किल के बाद हम आते हैं ये जगह पे कि यहाँ पे हमें एक और बॉट मिलता था, हमने उसको भी मार दिया तो हमारे किल होते 15। तो भाई देखना यहाँ पे हमें बैक टू बैक कितने बॉट मिलते हैं, हद पार हो गया गाइस, इतने बॉट इधर मिल चुके। देखो एक और बॉट हमें मिलता है, इसे भी हम मारते हैं। थोड़ा हम M249 का स्प्रे तो दे दे बॉट को, तो ये बॉट मारते ही हम इसे लूट लेते क्योंकि हमारे पास एमओ बहुत कम थी। भाई M249 रिलोडिंग कर लेते हैं चलो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें सामने एक और बॉट मिलता है, इसे हम मारेंगे ग्रोजा 4X। भाई हेडशॉट लगा लौंडे बॉट को, तो कोई ना हमें एक और बॉट मिलता है, बट यहाँ पे हग दिया मैंने स्प्रे पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे पता है भाई ग्रोजा में 4X नहीं चलता इतना अच्छे से। तो भाई अब देखो कोचिंग की सब निकले थे 14 किल थे, यहाँ पे आते ही हमारे चार किल हमें और मिल चुके, क्यों भाई बॉट आ चुके थे और। तो हमें एक और बॉट मिलेगा देखो हमारे सामने यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है भाई, मैंने हेडफोन निकाल दिया था सो मुझे साउंड नहीं आया, तो फिर बॉट का फायरिंग आया तभी जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे एक और बॉट है। तो हमें ये बॉट को मारते ही 19 किल कर लिए थे। तो भाई अभी थोड़ा हम, क्योंकि मुझे पता है पूरी बॉट लॉबी है तो गेम तो मेरा ही है, चिकन डिनर भी मेरा ही था, सब इजी था, मतलब कुछ मेहनत थी नहीं गेम में, सिर्फ गाड़ी चलने का सब था सीन। सो हम यहाँ पे थोड़ी पहले स्टार्टिंग हीलिंग कर लेते हैं, तब तक हम जाते हैं दूसरे पोजीशन में। सो हम यहाँ पे आते हैं तो ड्रॉप पे हमें बंदे मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें और 2 किल मिल जाते हैं, 19, 20, 21 किल, सॉरी हाँ 2 किल मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हम अभी यहाँ से जाते हैं क्योंकि भाई जाते ही हमें एक और बॉट मिलता है, तो एक और बॉट को मार देते हैं अभी हम। सो अभी बचता है हमारे यहाँ पे लास्ट गाय तो नहीं बोल सकते, लास्ट बंदा। भाई अभी ये बंदे को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई ना हम इसको भी हम मारेंगे, कैसे मारेंगे वो भी देख लेना आप। सो भाई अगर आपको ऐसी और लॉबी चाहिए बॉट लॉबी, सो गाइस मेक श्योर कमेंट करके बताओ मुझे अगर आपको ऐसा गेम प्ले और चाहिए बॉट वाला गेम प्ले फुल्ली। सो भाई हम ऐसा वीडियो और बनाएंगे, ऐसे लॉबी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है बट मिल जाएगी आपको भी। बिना इसको मेरे को बहुत टाइम लगा था वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो यहाँ पे मुझे लास्ट गाय लास्ट बंदा मिल दिख जाता है कि शेक के पीछे वो है। तो अभी चलो अभी इसको हम जाके पहले पेलते हैं। तो भाई अभी M249 उठाती, M249 से उसको पेलेंगे कुत्ते की तरह, कुत्ते की मौत मारेगी। सो गाइस मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना गाइस। ओके बाय बाय, सी यू।